देखिए, जो सनातन विरोधी मैं उसी व्यक्ति को कहूंगी जो हमारी आस्थाओं के केंद्र, हमारी भावनाओं के केंद्र श्री रामचरितमानस पर लगातार जो टिप्पणी कर रहे हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी बन गए हैं अभी हाल फिलहाल, और मेरी जो है मैं पार्टी में क्योंकि काफ़ी समय से हूँ, पिछले 15 वर्षों से हूँ, और वो अभी पार्टी में 2022 में आए हैं, और जब उन्होंने टिप्पणी की थी तो पार्टी पटल से लेकर हर जगह मैंने ये कहा था कि श्री रामचरित मानस हमारी आस्थाओं का केंद्र है, हम जितने भी सनातनी हैं पूरे विश्व भर में, और इसके अलावा जो लोग और भी अन्य देशों में कंबोडिया से लेकर कई जगह ऐसे हैं, जहां आप थाईलैंड में जाइए तो वहां समुद्र मंथन का एयरपोर्ट पर चित्र मिलेगा, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां प्रभु श्री राम और श्री रामचरित मानस को पूजा जाता है, माना जाता है, और भारत जो एक देश ऐसा है जहां बहुसंख्यक हिंदू हैं, और हम लोग जो सनातनी लोग हैं जो प्रभु श्री रामचरित मानस को हम लोग अपना जीवन ग्रंथ मानते हैं, धर्म ग्रंथ मानते हैं, ऐसे ग्रंथ की अवहेलना करना, उसको पुस्तक बताना, उस पर बैन करने की मांग करना, उसमें ये कहना कि इसमें जो लिखा है वो गलत लिखा है, बार बार ये बात कहना, और जब हम लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई कि आप ऐसे मत बोलिए, ये हमारी आस्थाओं और श्रद्धाओं का ग्रंथ है, तो उन्होंने कह दिया कि एक जाति विशेष यानी ब्राह्मण लोग मुझ पर हमलावर हैं, ये भी कह दिया जितने साधु संन्यासी हैं वो सब खराब हैं, खलनायक हैं, बुरे हैं, तो ये जो चली आ रही है परंपरा चली जा रही है, इसके खिलाफ मैंने अपनी आवाज़ उठाई है। नहीं, मैंने बहुत जगह उनका नाम लिया, आप मेरी सारी ट्वीट्स देख सकते हैं, मैं उन पर खुलकर हमला कर रही हूँ। देखिए, जो भी मेरी सनातन संस्कृति पर प्रहार करेगा वो चाहे मेरे घर का व्यक्ति हो या बाहर का व्यक्ति हो, मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगी। आपने ये भी लिखा है कि जब कोई महिषासुर धर्म की हानि करता है तब माँ दुर्गा प्रकट होती है, क्या पार्टी के अंदर ही द्वेष देखने को मिल रहा है कि आपके महासचिव पुलिस लिखते हैं और आप कुछ बोल रहे हैं? देखिए, मैं बार बार उनसे कह रही हूँ, भारत इतना सहिष्णु देश है, भारत इतना सहिष्णु है, इतना स्वीकारिता वाला देश है कि यहाँ पर आप हिंदू धर्म के लिए तो लिख देते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ सवाल करके, क्या किसी और धर्म के लिए आप लिखने का साहस भी जुटा सकते हैं? क्या आप किसी और धर्म के ग्रंथ के लिए बोल सकते हैं कि इसमें संशोधन किया जाए? आपको क्या क्या फेस करना पड़ जाएगा? और जबकि ये भारत है, बहुसंख्यक यहाँ सनातन धर्म है, तो ऐसी बातों को कभी नहीं कहना चाहिए। और जब जब ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि जब भी कोई ईश्वरीय कार्य होता है, जब भी सनातनी कार्य होता है, तो आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, वेद पुराण के कालीन समय से लेकर के प्रथम भारत तक, इस जो नवीन भारत है, कि कहीं ना कहीं जो राक्षस जो असुरी प्रवृत्तियां हैं वो इस सनातन धर्म के नाश के लिए सदैव आगे बढ़ी हैं, और जब जब ऐसी असुरी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं तब तक माँ दुर्गा आई हैं, तो माँ दुर्गा किसी रूप में आएंगी अवश्य। आपने ये भी लिखा है कि जिनको ताड़म का अर्थ नहीं समझ आ रहा उनको रामचरितमानस को समझने के लिए कुछ इस जांच के साथ ऊपर जाना पड़ेगा। आप बताइए, आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊँ, मैं तो हिंदी साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ, शब्दों के कई रूप होते हैं, तत्सम शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है, देशज शब्द होता है, आगत शब्द होता है, आंचलिक शब्द होता है, जो शब्द होते हैं वो तरह तरह के रूप में होते हैं। जो ताड़न शब्द है वो अवधि भाषा में, क्योंकि श्री रामचरितमानस की रचना के गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो अवधि भाषा में लिखे हुए को ताड़न का लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको क्या अर्थ है, लेकिन सिर्फ उनको 2.5 पंक्तियाँ आती हैं। मैंने शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया उनको कि आप मुझसे किसी भी जगह पर जहाँ सारी जनता इकट्ठी हो, मीडिया के बड़े लोग इकट्ठे हों, धर्माचार्य इकट्ठे हों, मां मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करती हूँ, और शास्त्रार्थ करिए मुझसे श्री रामचरितमानस पर, क्योंकि मैं रोज़ सुबह श्री रामचरितमानस पढ़ती हूँ, मेरी भावना का ग्रंथ है, मेरे माता पिता को मैं पढ़कर सुनाती हूँ, मैं ये स्वीकार नहीं करूँगी, चाहे मैं इस पार्टी में रहूँ, चाहे मैं ना रहूँ, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे निकलवा दें पार्टी से, लेकिन सनातन का अपमान मैं स्वीकार नहीं करूँगी। पार्टी तरफ से भी आपको कोई संदेश आया बोलने या ना बोलने पर? अभी तक तो कोई ऑफिशियल संदेश नहीं आया है। अखिलेश यादव जी भी लगातार अपने आप को सूत्र बता रहे हैं, उस बयान में खंडन नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनकी तरफ से भी कोई आपके ऊपर आया है बातचीत के लिए, कैसी बात? देखिए, मैंने तो सदैव उनको प्रभु श्री कृष्ण, जो यदुवंशी प्रभु श्री कृष्ण, उनके वंशज के रूप में ही देखा है। आगे क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि लगातार वो अपने बयान पे स्टैंड है और उसमें कोई ना कोई ट्वीट इस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं मांग कर रही थी कि इनको डांटा जाए, अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो, अगर वो भी ना हो तो कम से कम एक एडवाइजरी जारी की जाए पार्टी पटल पर कि कोई भी किसी भी धर्म ग्रंथ का, मैं सिर्फ रामचरितमानस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुरान की भी बात करती हूँ, बाइबल की भी बात करती हूँ, गुरु ग्रंथ साहब की बात करती हूँ, समावेश वाली पार्टी है, लोहिया जी की पार्टी, लोहिया जी रामलीला मेला लगाने की संस्तुति करते थे, लोहिया जी कहते थे कि मैं रोज रामचरितमानस पढ़ता हूँ, गांधी धरती है, गांधी का देश है, जहां वो श्री राम के बारे में बात करते हैं, राम राज्य की परिकल्पना
स्थापना करते हैं, ऐसे समय में आप लगातार हमलावर हैं और एक जाति विशेष पर भी हमलावर हैं। मैं उस जाति विशेष से आती हूँ और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य हमलावर में, उनके जितने भी ये छोटे 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 उनके जो लोग हैं, ट्रोलर्स हैं, ये पूरी टीम बना रखी है। तो कुल मिला करके हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अपनी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मनीष जगन अग्रवाल ने भी आज ट्वीट किया है, मनीष स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन देते हुए आपकी पार्टी के, उनको क्या कहेंगे? देखिए मैं उनको बिल्कुल कहीं भी कंसीडर इसलिए नहीं करती हूँ कि उनकी अभद्रता भरी ट्वीट्स मैंने खुद ट्विटर पर देखी है। और ऐसा व्यक्ति जिस पर अपने, मैंने आपसे इतनी देर बात की कि आपने मेरे शब्दों में कहीं कोई अश्लीलता अभद्रता पाई, जो भी व्यक्ति अश्लील और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे सकती, मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी साहित्य इतना गौरवान्वित साहित्य कि उसके अंदर हजारों ऐसे परिष्कृत शब्द हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ज़रूरी क्या है, हमारे यहाँ एक बहुत ख़राब शब्द है, लोग नीच लोग उसका प्रयोग करते हैं और साहित्यकार उसको नगरवधू कहते हैं। हिंदी साहित्य की खूबसूरती है कि आप बड़े से अच्छे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति जिसके पास शब्द ही नहीं है, जिसके पास अश्लील और अभद्र शब्दों, उसके बारे में आप क्या बात करते हैं? अगर पार्टी अपने खिलाफ कार्रवाई कर देगी तो वो क्या करेंगे? देखिए मेरे घर की रोटी कोई समाजवादी पार्टी से तो आती नहीं है, ना ही मैं कोई वोटों की दलाली करती हूँ, वो डीलर है, मैं लीडर हूँ। मेरे अपने साथ जो लोग मेरे खड़े हैं, सनातन धर्म के समर्थक मेरे साथ खड़े हैं, ब्राह्मण समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है, सवर्ण समाज मेरे साथ खड़ा है, और यहाँ तक कि दलित पिछड़ा जितनी जातियां हैं जो प्रभु श्री राम में आस्था रखती हैं, सनातन में आस्था रखती हैं, वो आज मेरे साथ खड़ी हैं। अगर पार्टी को निकालती इस मुद्दे पे आप तो निकलने के तैयार हैं? नहीं, पार्टी को मुझे निकालना नहीं चाहिए, निकालना स्वामी प्रसाद मौर्य को चाहिए, क्योंकि वो तो देखिए पहले वो रहे जनता दल में, रालोद में भी चक्कर मार आए, उसके बाद बसपा में रहे, उसके बाद वो भाजपा में रहे। अच्छा, और एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, जब ऊंचाहार से उनका बेटा लड़ रहा था तो वो रामायण का पाठ कराते थे उसकी जीत के लिए, और जब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से लड़ती थी तो ब्राह्मणों के वोट मांगने के लिए सर पे रामचरितमानस रख के जाती थी। तो इतना दोगलापन कि आज जब आप समाजवादी पार्टी में आते हैं तो 85-15 की बात करते हैं, आज जब आप समाजवादी पार्टी में आते हैं तो आप श्री रामचरितमानस को बैन लगाने की मांग करते हैं, कहते हैं इसको संशोधित किया जाए। वो क्या कोई आम मनोहर कहानी है जिसको आप संशोधित कर लेंगे, सरिता है या इंडिया टुडे जिसको आप संशोधित कर लेंगे? वो हम सबकी आस्थाओं का ग्रंथ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज 16वीं शताब्दी से उनको पढ़ के आ रहे हैं। उस समय मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन वो धर्म ग्रंथ नहीं बदला। स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या हैसियत है कि उस धर्म ग्रंथ को बदलेंगे? मैं खिलाफत नहीं कर रही हूँ, मेरी खिलाफत स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं है, मेरी खिलाफत स्वामी प्रसाद मौर्य जैसी विचारधाराओं से है जो जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी को। जब भारतीय जनता पार्टी में तो एक बार इनको, तब तो इन्होंने श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ी थी, बसपा में श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ी थी, इन्होंने सपा में ही आके श्री रामचरितमानस पढ़ी कि जिससे हिंदू विखंडित हो, जिससे हमारा वोटों का पोलराइजेशन हो, इसके लिए आपने श्री रामचरितमानस पढ़ी है। मैं ये होने नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरे सनातन का अपमान है। मैंने उनसे कहा कि आप किसी भी विषय पर लड़िए, मैं आपके साथ हूँ, रोजगार पर लड़िए, भुखमरी पर लड़िए, लाचारी पर लड़िए, बेरोजगारी हमारी इतनी फैल रही है, महंगाई यहाँ तक कहाँ पहुँच गई है, और सबसे बड़ी बात मैंने उनसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, योगी आदित्य महाराज जी का विरोध करने का अर्थ कभी भी भगवा का विरोध करना, सनातन का विरोध करना, कभी भी धर्म का विरोध करना, ये विरोध नहीं है कि आप सनातन का भी विरोध कर रहे हैं, आप भगवा का भी विरोध कर रहे हैं, जो भगवा पहन रहा है उसको आप ब्राह्मणों का भी बहाने विरोध कर रहे हैं, आप सवर्ण जातियों का विरोध कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी अगर किसी एक पर्टिकुलर जाति से आते हैं आप उसका भी विरोध कर रहे हैं, और विरोध की आपकी सीमा आप धीरे धीरे प्रभु श्री राम तक पहुँचते हुए आप राम का विरोध करेंगे, आप राम के देश में राम का विरोध करेंगे? अगर आपको ऐसे आप नव बौद्ध हैं, आप भगवान को नहीं मानते, तो किसी भी देश में चले जाइए, इस देश में क्यों रुके हुए हैं आप? एक आखिरी सवाल है, अखिलेश जी ने अभी तक खंडन नहीं किया, क्या उनसे अपील करेंगे वो खंडन करें और स्वामी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें? देखिए जो अपील मुझे करनी थी, मैं इस तरह मुखर नहीं होती, जो अपील मुझे करनी थी वो मैं अखिलेश यादव जी से बहुत पहले कर चुकी हूँ। उसके अपील के करने के बाद उनको महासचिव का पद मिला, संदेश साफ है कि उनको प्रमोशन दिया गया, कोई बात नहीं, मैंने उनसे अपील कर दी और मैं बार बार करती रहूँगी, क्योंकि मैं इस पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता हूँ। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जब उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि आप ये सब मत करिए, तो उन्होंने कहा ये ना पिद्दी है ना पिद्दी का शोरबा, तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये पिद्दी जिद्दी बहुत है। और अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी को याद दिला देगी,
इस पिद्दी में कितनी शक्ति है। हालांकि वो बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रहे, जाति के आधार पर वोट बांटते हैं, वोटों की दलाली करते हैं, डीलरशिप करते हैं। मैं वोटों की दलाली और डीलरशिप तो नहीं करती। वो कहते हैं मैं 85% हूँ, आप लोग ब्राह्मण और ठाकुर वैश्य सब 15% हैं। तो भाई अगर हम 15% हैं तो अल्पमत में है, इसमें समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक ही तो हैं, तो अल्पसंख्यक का क्या अधिकार है? वो बहुसंख्यक हैं, बहुमत में हैं, वो जो भी हैं। लेकिन उन्होंने मेरी भावनाओं को, आस्थाओं को, मैं बार बार उनसे कहती रही, हाथ जोड़ कर कहती रही कि आप मेरी भावनाओं, आप मेरी आस्थाओं से, आप हमारे देश की आस्थाओं से, सनातनी आस्थाओं से, गाँव गाँव में गली गली ये बात करते हैं कि पिछड़े और दलितों की, शूद्रों की बात करते हैं। सभी पिछड़े और दलितों के घरों में अखंड रामायण का पाठ होता है, गुटखा मिलेगा, छोटी रामायण मिलेगी, बड़ी रामचरितमानस मिलेगी करते हैं। कितनी राम कथाएं, घर की महिलाएं जल्दी जल्दी चूल्हे पे खाना बनाती हैं और जाके राम कथाएं सुनने के लिए जाती हैं। ये प्रभु श्री राम कण कण में है। जब प्रसव पीड़ा होती है तब आप हाय राम एक माँ करती है, उस समय बच्चे का जन्म होता है। प्रसव की इतनी बड़ी पीड़ा होती है, और जब आप किसी व्यक्ति को लेकर के अंतिम यात्रा पर जाते तब भी बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो प्रभु श्री राम इस कितने शासक आए, मुगल आक्रांता आए, अंग्रेज आए, जो बदल नहीं पाए वो स्वामी प्रसाद मौर्य बदल लेंगे। जिसकी बात करते हैं कि पंक्तियों को हटाया जाए, संशोधित किया जाए, बैन किया जाए, उनका साहस भी कैसे होता है। जब जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग इस तरीके की बात करेंगे तब तक कोई रोली तिवारी मिश्रा उनके खिलाफ खड़ी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।